Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2022 exam, because in this video I'm going to discuss about the expected MBA CET paper. Guys, around 6 din bache hain aapke paas 23 ko. Kafi log ka exam hai first attempt. So kafi log ke mind mein ye query aa rahi hai ki paper kaisa aayega, last year ki tarah aayega ya fir 2020 pattern pe aayega, sets aayenge nahi aayenge. So guys, isme hum kuch baat karne wale hain, isse aapko kuch clarity mil jaye, theek hai? Baaki at the end kya hone wala hai wo dekhte hain, but still जो चीजें हम लोग के सामने है उससे कुछ आइडिया लग जाएगा. और दूसरी चीज गाइस, हम यहाँ पे मेरिट ट्रैक का जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे. कुछ डरने वाली बात नहीं, मेरिट ट्रैक कोई नई चीज नहीं है. सिलेबस जो आपने सीडी के लिए पढ़ा वही है, क्योंकि जो बॉडी है, जो मॉक टेस्ट आया, वो मेरिट ट्रैक का आया हुआ है. लास्ट ईयर भी मेरिट ट्रैक का ही पेपर था, तो इसलिए हम एक बार देख ले रहे हैं सिलेबस, जिससे आपका कोई टॉपिक मिस ना हो, ठीक है. बाकी इसका रीजन क्यों है दिखाने का सिलेबस बताऊंगा मैं आगे. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस, हम लोग की जो सीईटी की प्लेलिस्ट है 20 वीडियोस की, उसको आप जरूर देखना. मैंने कल बनाया था वीडियो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा मैं. चलो गाइस, सो गाइस, हम लोग का एमबीए सीईटी का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. और फ्री एमबीए सीईटी मॉक हम लोग का जंबल पैटर्न पे है, इसको भी आप जरूर देना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. सो गाइस, अगर बात करें पेपर कैसा आएगा, तो हमने आपको बोला था कि सीईटी सेल भी दे सकता है पेपर और मेरिट ट्रैक भी दे सकता है, ठीक है. सीईटी सेल नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सीईटी सेल दे सकता है, मैंने आपको बोला था कई बार वीडियो में, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि सीईटी सेल ने प्रोफेसर्स की हायरिंग के लिए कोई नोटिफिकेशन डाली थी, ठीक है. बट इस बार गैस हुआ क्या कि अभी मेरिट ट्रैक का मॉक टेस्ट आया था कुछ दिन पहले, ठीक है. और गैस आपको डिफरेंस अगर बताऊँ एडूस्पार्क और मेरिट ट्रैक में, तो एडूस्पार्क जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है. एडूस्पार्क का मेन काम क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कंपनी है वो, ठीक है. वो एप्स वगैरह डेवलप करती है, तो जो टेस्ट रन होता है, सिस्टम्स की जो बात होती है, जो आप इतने सारे सेंटर्स होंगे वहां पे सबका सिस्टम होगा, वो सब काम जनरली एडूस्पार्क का होता है. तो एडूस्पार्क ऐसा नहीं कि एडूस्पार्क खुद क्वेश्चन पेपर देता है, बट मेरिट ट्रैक जो कंपनी होती है, ये बेसिकली प्लेसमेंट एजेंसी एक तरह से बोल दो आप. जो एप्टीट्यूड पेपर्स होते हैं, प्लेसमेंट पेपर्स जनरली होते हैं, जैसे आपका विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, इन सबके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, वो सब मेरिट ट्रैक प्रोवाइड करती है. इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनी है मेरिट ट्रैक की तरह, लाइक एस्पायरिंग माइंड्स एंड ऑल, ठीक है, वो लोग भी ये काम करती है. तो गैस, क्योंकि ऑफिशियल जो मॉक आया है वो मेरिट ट्रैक का इस बार भी आया है, तो गैस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, ज्यादा चांस है कि पेपर मेरिट ट्रैक का है, सीईटी सेल का ना है. मेरिट ट्रैक पेपर आएगा तो लास्ट ईयर देख ही लिया पेपर आपने कैसा आया था, लेवल बहुत सिंपल था, बट क्वेश्चंस वैरायटी में थे, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए थे. और एक दिक्कत और थी लास्ट ईयर की, क्वेश्चंस का सीक्वेंस बिल्कुल गड़बड़ था, मतलब जंबल तो थे ही, साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं थे हर सेक्शन से. जैसे किसी को कॉइंट्स के 97 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है. तो क्योंकि गाइस मेरिट ट्रैक का नाम आ रहा है, मेरिट ट्रैक का मॉक टेस्ट है, तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है. ऐसा नहीं बोल सकता कि सीईटी सर अपने क्वेश्चन नहीं दे सकता मेरिट ट्रैक, वो दे सकता है, बट अगर एक्सपेक्टेड अगर बात करूँ तो ज्यादा चांस मुझे ये है कि मेरिट ट्रैक पेपर दे सकता है. और गाइस, अगर मेरिट ट्रैक पेपर देगा उसका खुद का पेपर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है पेपर का लेवल लास्ट ईयर की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कभी बड़े एग्जाम नहीं कराती. अगर इसकी वेबसाइट में आप जाओ तो कभी भी आप किसी बड़े एग्जाम का नाम नहीं देखोगे कॉर्पोरेट एजुकेशन में. ये खाली कॉर्पोरेट्स में कंपनीज का कराती है और जो कॉलेजेस के अंदर के एग्जाम होते हैं वो कराती है, ठीक है. तो उस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा है. तो दूसरी बात क्या है ना गाइस, कि ये जो कंपनी होती है मेरिट ट्रैक वगैरह, इनका एक क्वेश्चन बैंक होता है 1500-1600 क्वेश्चन का हर सेक्शन के. हमने क्योंकि काम किया हुआ इसी तरह की कंपनी में, सेम टाइप की कंपनी में, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे कैसे चलता है. इन लोग के क्वेश्चन बैंक होते हैं, 1600 क्वेश्चन के पास LR के होंगे, 1600 क्वेश्चन पॉइंट्स के होंगे, उसे वो रैंडमाइजर लगा के लोग क्वेश्चन दे देते हैं. तो लास्ट ईयर जो दिक्कतें आई कि 97 क्वेश्चन आ गए इसके, उतने आ गए, वो इसी वजह से हुआ, ठीक है. और उनका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि प्लेसमेंट पेपर्स में अगर आप बैठे होगे तो आपको पता होगा पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है. तभी सब लोग कहते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि इनके पास बहुत टफ क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्लेसमेंट पेपर्स में बहुत नॉर्मल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आपको बहुत हैवी चीज नहीं देते वो, ठीक है. तो ये चीज़ है. तो गैस वही बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि सारी वैरायटी करो, क्योंकि अगर पेपर ईजी आया और आपने अर्थमेटिक करा, सबने अर्थमेटिक कर रखा आपने किया तो कोई डिफरेंस नहीं है. जेबी कौन जाएगा जो अर्थमेटिक लेवल, बाकी चीजें करके जाएगा, जो वैरायटी करके जाएगा, ठीक है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस करो. और वैसे भी अगर सीईटी सेल भी देता है पेपर, तब भी वैरायटी आने के चांसेस हैं, वैरायटी तब भी आ सकती है. ऐसा नहीं है कि सीईटी सेल देगा तो खाली अर्थमेटिक और डीआई आएगा, ठीक है. तो गाइस ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही होगा, हो सकता है कुछ भी हो, सरप्राइज देने के लिए हर बार होता है ऐसा. बट जो मुझे लगा, क्योंकि मेरिट ट्रैक का मॉक टेस्ट है तो मेरिट ट्रैक का पेपर आ सकता है, और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि मेरिट ट्रैक का मॉक टेस्ट के बाद सीईटी अपने क्वेश्चन देगा उसको, क्योंकि मेरिट ट्रैक खुद का काम यही होता है कि क्वेश्चन बनाए, ठीक है. अब वो अलग बात है सीईटी सर ने बोल दिया हो कि आप
सीईटी एग्जाम के लिए एक स्पेसिफिक सेट तैयार कर रखो अच्छे क्वेश्चंस का, तो वो सब चीजें अलग है। ठीक है, तो गाइस ये चीज है। बाकी जहां तक मैंने सुना है एमसीए सीईटी का पेपर भी बहुत टफ नहीं आया, नॉर्मल आया। ठीक है, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते फिलहाल। तो गाइस मैं आपको बस यही बोलूंगा कि पेपर को आप ऐसे तैयार करो, आप मॉक्स वगैरह कम दो। मैं आपको यही बोलूंगा ज्यादा मॉक्स मत लगाओ, नंबर के पीछे मत भागो। 110 आ रहे हैं, 100 जितने भी आ रहे हैं छोड़ो, बस ये मेक श्योर करो कि आपको हर चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होना चाहिए आपका पॉइंट्स में जो आपने छुआ ही नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। क्योंकि जो आपने नहीं छुआ उसी से 10 क्वेश्चन अगर आ गए और बहुत इजी क्वेश्चन हुए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे गाइस। क्योंकि मैं जानता हूँ जो टॉपर्स थे बहुत ही टफ मॉक्स वाले भी, वो भी गड़बड़ कर दिया लास्ट ईयर, बिकॉज वो खाली अर्थमेटिक पढ़ के गए थे, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। और जो नॉर्मल बच्चे थे वो अच्छा करके आ गए वहाँ पे, क्योंकि वो सब पढ़ के गए थे। तो ये चीज़ है। तो जो प्लेलिस्ट दी गई है आपको 20 उसकी वीडियो थी, वो आप देखो अच्छे से। ठीक है, बाकी एक बार मैं बस मेरिट ट्रैक का सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तरह से क्रॉस चेक हो जाएगा, पढ़ा आपने सब कुछ होगा, हर चीज पढ़ी होगी आपने, बट इसलिए क्रॉस चेक के लिए कि इनका सिलेबस अभी क्या था, इसी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मतलब ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, आपको इससे फॉलो नहीं करना है, ऐसा नहीं यही पढ़ने बैठ गए, ये बस एक क्रॉस चेक ही आपका ये कवर की नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ही कवर किया होगा आपने, क्योंकि सारे टॉपिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट ये नहीं छूटना चाहिए। तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी, टाइम, टीएसडी, नंबर्स, अलजेब्रा, नंबर सीरीज, सिंपल टेस्ट, ये सब आपने करा हुआ है। बोलूंगा नहीं, कुछ जो नया रहेगा वही बोलूंगा। हाइट्स एंड डिस्टेंस देखो, कर लेना अच्छे से। डीएस लॉग, ये सब आपने करा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। आरसी वारसी तो कर ही लोते, सेंटेंस सेंटेंस कराई है, ये करा हुआ है, सब हुआ हुआ है। ये भी आपको आता है, ये भी आता है। बाइनरी चीज पढ़ लेना है जरा बेसिक्स। ठीक है, क्यूब्स एंड डाइस कर लेना। क्यूब्स एंड 3 वीडियो बनाए पोर्टल पे, सॉरी यहाँ पे पढ़े यूट्यूब पे। ठीक है, डीएस आता है, ये सीरीज पता है। एनोलॉजी, एनोलॉजी वगैरह ऐसी चीज होती है जितना करो उतना कम है गाइस, तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। क्रॉस सेंटर्स कर लेना, मेरे यूट्यूब पे बनाए वीडियोस के। क्लासिफिकेशन देख लेना, रूट्स एंड एड्रेस का बेसिक कर लेना, वैसे आना चांस नहीं है। रैंकिंग ऑर्डरिंग देख लेना, ये आपने करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, आता है सभी। लॉजिकल डिडक्शन देख लेना गाइस, इफ देन वाला एक बार, इफ देन। ठीक है, बिकॉज ये आप जनरली नहीं पढ़ते हो, इन्हें क्वालिटी पढ़ते ही हो, ये आपको आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये मेरिट ट्रैक का सिलेबस मुझे मिला है वेबसाइट से, तो एक बार मैंने इसलिए दिखाया आपको, इसमें कोई चैप्टर छूटे ना आपका, कोई टॉपिक ना छूटे इसमें आपका। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर लॉ के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे, तो हो सकता है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने रेंडमाइजर लगा दिया हो, इसलिए बोल रहा हूँ बस कि कुछ छूटे ना आपका। ठीक है, बाकी गैस आपके मॉक्स का बदला नहीं कुछ, ये मॉक लेना ही मत। अगर आप 5 मॉक्स ले सकते हो आप, वैसे क्योंकि स्लाइड पढ़ी थी लगा दी मैंने। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट सीईटी के बाद गैस अगर आपको एनमैट इसमें भी अगले साल की तैयारी करनी है, इससे काफी लोग सीईटी इस बार ट्राई के लिए दे रहे हैं, अगले साल ढंग से दे रहे हैं, तो यू कैन चेक आउट अवर कंप्लीट नॉन टेट कोर्स बैच। काफी डिटेल्ड कोर्सेस अभी से लेकर अगले साल जितनी भी क्लासे होती है, जितने भी कोर्सेज हैं, सबके कोर्सेज, सबके टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। प्राइसिंग का इसकी 10,000 है, बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक्स आपके घर में आएंगी, सब कुछ मिल रहा है। इसकी कॉस्ट कम से कम 17,000 होनी चाहिए। ठीक है, पर 10,000 है, और अभी कुछ टाइम के लिए ऑफर भी चल रहा है, तो 9,000 सब कुछ हो गया। तो बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको सीईटी, सीमैट सब कुछ इंक्लूडेड है अगले साल तक, और एक्सट्रीमली डिटेल मेरे से पढ़ाई जाती है। तो आपका अच्छे से अगर स्टार्ट किया, आज से भी स्टार्ट करते हो, स्नैप वगैरह में इवन के टॉप। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हो काफी डिटेल में। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी गाइस ये वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, कोई क्वारी हो मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।